अगली खबर आ रही है सतना जिले से, जहां महिला के लिए उसका सम्मान ही सब कुछ होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के सतना से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने मिलकर महिला के सम्मान को तार तार कर दिया। कुछ लोगों ने महिला को कपड़े उतार कर, हैरानी की बात यह है कि इस वाकये के दौरान आरोपियों के साथ गाँव की महिलाएं भी मौजूद थी। सतना जिले के मैहर थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला के साथ गांव के लोगों ने पहले मारपीट की, फिर साड़ी उतार कर 2 घंटे तक उसे गांव में घुमाया। मारपीट के बाद महिला घायल है, उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये वारदात मैहर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 38 वर्षीय महिला के साथ हुई। शनिवार की शाम कुछ लोगों ने उसके साथ घर में घुसकर मारपीट की और उसे घसीटकर बाहर ले आए। फिर आरोपियों ने महिला की साड़ी उतार दी और उसे 2 घंटे तक पूरे गांव में घुमाया। खास बात यह है कि जब ये हैवानियत हो रही थी, उस वक्त वहाँ मौजूद कोई भी महिला उससे बचाने नहीं आई। महिला के जेठ ने डायल 100 को सूचना दी, जिसके बाद आरोपियों के चंगुल से महिला मुक्त हो पाई। उसे देर रात सतना जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला सामने आने के बाद रविवार दोपहर मैहर TI संतोष तिवारी फोर्स के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने यहां पूछताछ शुरू की तो पता चला कि ऋषिकेश पटेल ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर महिला के साथ ये हरकत की। वारदात में न केवल समाज विशेष के युवा और पुरुष बल्कि महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थी। गाँव के पूर्व सरपंच कामता प्रसाद पटेल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना जरूर है कि गांव में ऐसी घटना घटित हुई है। एक अन्य ग्रामीण ने पुलिस को बताया कि करीब 50 लोगों ने मिलकर महिला के साथ ये हरकत की है। मारपीट के बाद उसे सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में पूरे गांव में घुमाया गया है। उसने बताया कि ऋषिकेश पटेल, महेंद्र पटेल, शिव कुमार पटेल, अमृत लाल पटेल, शोभा पटेल, सुलोचना पटेल, भगवती पटेल समेत इसी समाज के लगभग आधा सैकड़ा लोग घटना में शामिल थे। ग्रामीण ने बताया कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आरोपियों ने मुझे गाली देकर वहां से भगा दिया था। मैहर TI संतोष तिवारी ने बताया कि महिला के साथ मारपीट के मामले में शनिवार की रात ही FIR दर्ज कर ली गई थी। जांच पड़ताल की जा रही है, महिला को निर्वस्त्र कर नहीं घुमाया है। इन आरोपों की भी जांच की जा रही है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपियों को चिन्हित कर उनकी भी तलाश की जा रही है। कल किनारा फार के हमको मारे हैं, कपड़ा उतार के फिर गांव घुमाए, चोरी किया तो फिर हम 100 नंबर गाड़ी चला के उसको पकड़ा दिए। वो जेल में पड़ गया, उसको पकड़ लाई, फिर वो आया